हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई है, और डेली करंट का तहलका मैं प्रतिदिन कराता हूं। सुबह 7 से 7:30 के बीच में मेरी क्लास अपलोड हो जाती है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हर पेपर को लेकर के, करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मोटिवेशनल की बातें होंगी, ठीक है, जिससे आप कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को गिल्टी फील ना करो, हार न मानो, वो सभी चीजें में ये बहुत जरूरी है। कुल मिला के है, क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाए तो उससे उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, जो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपने दिमाग में कभी भी, मैं तो ये कहता हूँ, हार का दिमाग में ये शब्द हार लाओ मत ना कभी भी। ठीक है, कुल मिला के हार से बेटर है उस हार में भी जीत ढूंढो कहीं ना कहीं तुम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखो और हमेशा जीत की तरफ राह बनाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का। भारत ने सेवा उद्योग में 11 वर्ष में सबसे तेजी वृद्धि किस महीने में दर्ज की है? सेवा उद्योग का मतलब जैसे कि जो 5 स्टार चीजें हैं, फैक्ट्री हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये सेवा उद्योग जो सेवा देते हैं। ठीक है, तो 11 पिछले 11 वर्ष जो रिकॉर्ड है वो सबसे तेज वृद्धि हुई है। कौन से महीने में हुई है? वो है मई में, या जून 2022 में, अप्रैल 2023 में होगी, या जनवरी 2019 में। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जून 2022 में रिकॉर्ड तोड़ इसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको कि इसकी मांग जो है बहुत मजबूती से बढ़ी जून 2022 में, और भारत के सेवा उद्योग ने 11 वर्षों में सबसे तेजी से गति विस्तार किया। S&P जो ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर है, इंडेक्स जून में बढ़कर 59.2 हो गया, जो अप्रैल 2011 के बाद सबसे अधिक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार जो स्थिर मुद्रास्फीति है चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि कीमतों में लगभग 5 वर्षों में सबसे तेजी वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी आपको पता भी चल रही होगी सभी चीजें, कीमतें बढ़ोतरी मतलब सेंसेक्स जो अपर होता जा रहा है, ये आपको पता भी होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसके हाल ही में घोषणा की गई थी कि किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी स्मृति पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, वो किसने किस प्रशासन को लेकर के हुई है? केंद्र प्रशासन, लोक प्रशासन से संबंधित है, राज्य प्रशासन से है, कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। लोक प्रशासन ने जारी की है, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में इस पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, आपसे पूछ भी सकता है किस राष्ट्रपति को लेकर की घोषणा हुई और किस प्रशासन में हुई। लोक प्रशासन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। EIU ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका मतलब होता है कि जो लिबिलिटी मतलब कौन सा शहर भारत के अंदर रहने लायक सबसे अच्छा है, खान पीन रहन मतलब जॉब को लेकर के, सभी चीजों को लेकर, जैसे आपको जैसे कोई भी शहर है उसमें सबसे पहले तो फ्लैट हो, फ्लैट के पास में आपकी जॉब हो, ठीक है, अच्छी सी बढ़िया सी, उसके पास में 5 स्टार हो, उसके पास में ग्राउंड खेलने का, सब चीजें मतलब अच्छी से अच्छी चीजें हो, तो वो चीजें बात की है रहने के योग्य। ठीक है, कौन सा बढ़िया शहर है, कोई भी बाहर से आएगा तो रहने वाला शहर कौन सा अच्छा है भारत के अंतर्गत, ठीक है, इसकी बात हुई है। इसमें टोटल 173 विश्व के अंदर शहर आते हैं। ठीक है, और विश्व के अंतर्गत सबसे पहले हमारे भारत की शहरों की बात करता हूं तो नई दिल्ली जो कि 140 के स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट, और 141 आई थिंक मुंबई है। ठीक, ये दिख रहा हूं, देखो EIU यूरोपियन इंटेलिजेंट यूनिट ने हाल ही में ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया, जिसमें 173 सिटीज को उनके रहने की स्थिति के आधार पर रैंक किया गया। ठीक है, रहने की स्थिति मतलब वही जो रहन सहन, 5 भारतीय शहर आई हैं, इनमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु को इस सूची में शामिल किया गया। दिल्ली 140वें स्थान पर है,
ठीक है। और उसके बाद 141 में मुंबई है, चेन्नई और अहमदाबाद 142-143 और 146 में बेंगलोर। आपसे पूछ भी सकता है, क्रम वाइज पूछ सकता है, ठीक है। 140 से 146 दे सकता है वो, आप सभी तरीके से आप होशियार रहना, ठीक है। तो इस फिलहाल अपना भारत जो है नई दिल्ली है। अब आपको विश्व के अंदर जो नंबर वन है वो शहर कौन सा हो सकता है आपके समझ से लेकर के बता सकते हो मुझे, इन कमेंट मुझे बताने इस चीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA है कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। उड़ीसा है, नई दिल्ली है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, तो उड़ीसा ए इज द राइट आंसर है। उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। जो पीयूष गोयल जी ने 2013 की कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया, मतलब 2013 से पहले की बात, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2022 के लिए तीन मापदंडों पर आधार पर रैंक किया गया है, ठीक है। 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उड़ीसा सबसे ऊपर है और 14 छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से त्रिपुरा जो पहले स्थान पर रहा है, लद्दाख इसमें सबसे नीचे स्थान पर है, अंतिम स्थान पर रहा है, ठीक है। केंद्रीय खाद्य जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसके तहत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी रैंक को जारी किया है, सूची को जारी किया, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं भी किसी प्रकार से आए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड्स मेडल गणित से, अर्थशास्त्र से, हिंदी से है या सामाजिक से, तो ए से, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, गणित से है, मतलब कि मैथ से है, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि 2022 में किसको प्राप्त हुआ है, इन कमेंट मुझे बता देना इस चीज के बारे में, ठीक है, नहीं तो मैं ये बता दूंगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो फील्ड्स मेडल को गणित का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में काम करने वाली यूक्रेनी गणितज्ञ मेरीना व्याजोस्का को 2022 में फील्ड मेडल के चार प्राप्तकर्ताओं में से एक रूप में नामित किया गया है। फील्ड्स मेडल अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ संघ IMU द्वारा प्रदान किया जाता है, इंटरनेशनल ऑफ मैथमेटिक यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो गणितज्ञ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या कोई नहीं, तो केंद्र सरकार ही करेगी इसको, ठीक है। आप पीछे मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, और आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। उड़ीसा रैंकिंग पर है और मैंने बता भी दिया इसके बारे में। सेवन क्वेश्चन है, किस राज्य में आम महोत्सव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, आम महोत्सव यूपी वालों के लिए, आम महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यूपी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जाता है, हर साल इसको आयोजित किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में 4 जुलाई से 7 जुलाई तक जारी किया गया। इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का उद्घाटन भी किया गया, मेगा क्लस्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ठीक है मेरे भाई, वैज्ञानिक नाम क्या है आम का, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, लार्ज हेड्रॉन कोलाइड क्या है, मतलब LHC क्या है, ये विशाल एक जटिल मशीन है, मॉडल है, चुंबकीय क्षेत्र है, खाद्य प्रणाली है, ये विशाल और जटिल मशीन है, ए इज द राइट आंसर होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, 5 जुलाई 2022 को दुनिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलोराइड, लार्ज हेड्रॉन कोलोराइड LHC ने ऊर्जा के स्तर पर प्रोटॉन को एक दूसरे से तोड़ना शुरू किया। LHC एक विशाल और जटिल मशीन है जिसे कणों के अध्ययन के लिए बनाया गया, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। इसको LHC को सिर्फ किसके लिए बनाया गया, कणों के अध्ययन के लिए, जो भी कण होते हैं। यह 27 किलोमीटर लंबा ट्रैक लूप है जिसे स्विस फ्रांसीसी सीमा पर जमीन के अंदर 100 मीटर नीचे स्थापित किया गया है, ठीक है। ये सभी कणों का अध्ययन करेगा, जो ये विश्व के अंदर शक्तिशाली चीज है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेटेस्ट खबर है, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। LHC इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, कहाँ पर ये लॉन्च किया गया, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये है क्या चीज, विशाल और जटिल मशीन है बहुत ही, ठीक है, जो कि कणों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, किसने छोटे शहरों में उद्यमी के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया की घोषणा की है, वो गूगल है, आप जान भी सकते हो गूगल ने ये शुरुआत की है, ठीक है मेरे भाई, स्कूलों को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, गांधीवाद पंडित
गोपीनाथ नायर, अब इनका निधन हुआ है, ये 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, खिलाड़ी थे, साहित्यकार। तो ये स्वतंत्रता सेनानी जी थे, ठीक है, आपके सामने दिख भी रहा है कि गांधीवादी की विचारधारा रखते थे पंडित गोपीनाथन जी। इनके बारे में मैंने थोड़ा लिखा भी है कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपीनाथ नायर, फ्रीडम फाइटर पी गोपीनाथन नायर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया और वह काफी समय से बीमार थी। उनको उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था और पंडित गोपीनाथन में अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए जाने जाते थे और उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित। ये क्वेश्चन है कि इनको कौन सा पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है, तो पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है, जो चौथे नंबर का होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। जिस बच्चे को जीके से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ऑन यूट्यूब फ्री सब कुछ तीनों सब्जेक्ट पढ़े, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तीनों विद प्रैक्टिस सेटों के साथ। हर क्लास के पीछे 20 से 25 क्वेश्चन करवाए रखे मैंने। जीके के जंग अमित सर के संग मेरे जो बैच है बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर पढ़ा, बेसिक रूप से जीरो से हीरो आपको बना देगा। ठीक है, तो सभी भाई से मैं धन्यवाद चाहूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सभी भाइयों को बता दो, फ्री ऑन सेवा मेरी और इस संस्था पर। ठीक है।